फोन कर रही है, सिर्फ सिक्के ही डाल रही है, क्या कर रही है? हेलो हेलो हेलो, मैं पू हेलो हेलो, जरा जल्दी करो मैडम, इतने सिक्के अगर रेड क्रॉस के डिब्बे में डालती तो कुछ पुण्य कमा लेती। वन मोमेंट सर, प्लीज प्लीज। पिछले 10 मिनट से एक उंगली दिखा रही है। हेलो हेलो हेलो, आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे इंस्पेक्टर आनंद? इंस्पेक्टर आनंद, गॉड, हेलो हेलो, जानबूझकर, समझ सकते आपने, आपको जानबूझकर फोन काट देता इंस्पेक्टर आनंद। सुनिए, जो जिसको सुनाना है वहां फोन पर जाकर सुनाना, 10 मिनट से दिमाग चाट रहे हो, जल्दी करो जल्दी करो, अब यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ अपना फोन करो। सुनिए 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 सुनिए, वो आप विवेकानंद रोड की पुलिस चौकी वाले इंस्पेक्टर आनंद को फोन घुमा रही थी आप? हाँ, क्यों? जानते हो इंस्पेक्टर को? अरे आपके लिए वो इंस्पेक्टर होगा, लेकिन अपना यार है वो यार आनंद। Oh, hi, I'm Poonam. How do you do? I'm fine. Thank you. आपको आनंद से बात करनी है? हाँ। आप कब से जानती हैं उसे? बस दो मुलाकातों से। दो मुलाकातों से? दो मुलाकातों से? और फिर भी वो फोन पे नहीं आता? अरे हराम को, समझता क्या आपने आपको? क्या उसकी थोड़ी प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? वो पुलिस चौकी में अपना दिल पार्किंग लॉट में पार्क करके अंदर घुस जाता है। लेकिन फिर मैं उसके साथ बात कैसे करूंगी? सिंपल, वेरी सिंपल। यस, हेलो पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर आनंद बोल रहा हूँ, बोलिए। ऑफिसर ऑफिसर, जल्दी मेरे घर आ जाओ। घर आ जाओ? क्यों, बात क्या है? मेरे घर में चोरी हो गई इंस्पेक्टर। देखिए, आप मुझे अपना पता बता दीजिए, मैं पहुंचता हूँ। बोलिए। लिख लीजिए। 15 कैंटीन क्या पूछ रहा है? 15 यार। पार्क एवेन्यू रोड, रोड रोड, पार्क एवेन्यू रोड, अर्ली। आप इत्मीनान रखिए, मैं पहुंचता हूँ। जल्दी आ जाना इंस्पेक्टर, वो तुम्हारी राह देख रही है, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। जी। अब मैं खिसक जाता हूँ, आप अपने दिल का पंचनामा खुद करवाइएगा। अब पीटर, अब क्या हुआ? थैंक यू वेरी मच। हो गया। अरे ये बड़ी तेज मोटरसाइकिल चलाता है यार, जब तक मैं बिल्डिंग की सीढ़ियां उतरता है थाने से यहाँ पहुंच भी गया, मुंह दूसरी तरफ करके खिसक लो यार। एक्सक्यूज मी, जरा ये पता बताएंगे आप? अरे आनंद, तू पीटर, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो यार एक केस के सिलसिले में आया। लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? ये एक जानकार के यहाँ आया था, दिल का मरीज है बेचारा, उसे तबीयत पूछने और दवा दारू करने आया था। ये दिल बड़ी नाजुक चीज होती है यार, बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। हाँ, तू भी रख, क्योंकि दिल एक बड़ी नाजुक। मैं इंस्पेक्टर आनंद। ओ इंस्पेक्टर आनंद, तुम आ गए, अब मेरी जान में जान आई। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है माजी। माजी, पड़ोस वाली मिसेस अडवाणी को कहना मुझे माजी बाजी मत कहना। ठीक है, आई एम सॉरी आंटी। आंटी चुप। अरे तुम्हारी उम्र के लड़के मोहल्ले में मुझे देखकर आंख मारते हैं, और तुम हो के मुझे आंटी आंटी कह जा रहे हो। लगता है आपके इस मोहल्ले में बड़े आजाद ख्यालात के लड़के रहते हैं। अब आप इजाजत दें तो तहकीकात शुरू करूं। हाँ करो। वैसे मौका है, वारदात को देखकर लगता नहीं है कि यहाँ कोई चोरी हुई है। कैसे इंस्पेक्टर, जब अंदरूनी बात नहीं समझते तो
तहकीकात क्या करोगे? अंदरूनी बात मतलब? बैठो, समझाती हूँ, फिर तहकीकात कर लेना। देखो, कुछ चोरों की खासियत होती है कि वो इस कलाकारी से दबे पांव ऐसी चोरी करते हैं कि किसी को दिखाई नहीं देता, चेहरे से पलके चुरा लेते हैं लेकिन आंखों को दिखाई नहीं देता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बस मैडम, बहुत हो गया, अब आप साफ साफ बताइए कि बात क्या है, वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बताइए आखिर आपका चोरी क्या हुआ है? मेरा दिल चोरी हुआ है इंस्पेक्टर आनंद। तुम? तुमने मेरा दिल चुरा लिया इंस्पेक्टर आनंद। अरे आइए आनंद बाबू, आइए आइए। इतना थका हुआ लग रहा है तू। अरे आनंद, अंदर आकर बैठना, थक गया होगा। अरे बात क्या है यार, ये हो क्या रहा है? भाभी, आनंद आया है, पानी ले आइए प्लीज। पानी? तेरी भाभी को भी आजकल तेरी बड़ी चिंता लगी रहती है। कितना काम करता है बेचारा, और वो भी पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ। यार मुझे तो कॉम्प्लेक्स हो गया है। और जब ये घर पर लौटता है तब भी पुराने केस में कुछ खोया खोया सा आया है। ये तो है। आनंद जी, कहाँ गए थे तुम? भाभी वो एक ड्यूटी थी। क्या? अच्छा। तो ड्यूटी थी? नहीं रे, ड्यूटी नहीं, स्वीटी। स्वीटी बोल रहा था ना तू? अरे ये आप लोगों ने लगा क्या रखा है? नहीं नहीं नहीं, आप लोग कहना क्या चाहते हैं, मतलब क्या है आपका? ये सवाल तुम हमसे कर रहे हो या पिछला केस ही चल रहा है दिमाग में? पिछला केस? वैसे कौन से केस में गए थे तुम आनंद? भाभी मुझे बिल्कुल नहीं पता ये लोग क्या कह रहे हैं, मैं तो एक बहुत मामूली केस के लिए गया था, चोरी का केस था, चोरी का। अच्छा अच्छा अच्छा, तो चोर मिल गया? हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। तहकीकात जारी है, मिल जाएगा। ओ मानसी, तुम समझ नहीं रही हो कि ये केस बहुत मामूली है लेकिन तहकीकात कुछ खास है। अच्छा, क्यों आनंद? तो वैसे चोरी किस चीज की हुई थी आनंद जी? चोरी वो मैं कपड़े बदल कर आता हूँ फिर बताता हूँ। भाभी शुरू करो। हेलो हेलो ऑफिसर। हाँ हाँ, आप जरा मेरे घर आ सकते हैं प्लीज? क्यों, क्या हो गया मैडम? मेरे घर में चोरी हो गई है। आपके घर में चोरी हो गई? हाँ। बताइए अपना एड्रेस बताइए। 54 एवेन्यू रोड वर्ली। डोंट वरी मैडम, मैं अभी आपके पास आता हूँ। पीटर। हाँ घूर के क्या देख रहा है बे? भाभी है, बताना तो पड़ेगा ही ना। क्यों भाई? हाँ, हाँ? फिर? मुझसे अपने दिल की बात छिपाना सीख गया ना तू आनंद? अरे नहीं नहीं भाभी, मैं तो वैसे भी आपको बताने ही वाला था। अच्छा? हाँ। तो जरा बताना हमें, कैसी लगी तुझे पूनम? ठीक है, अच्छी है। ये ऐसी बात कर रहा है जैसे कमीज और पतलून के बारे में बोल रहा हूँ। तो और कैसे बोला जाता है? आनंद प्यार करता है उसे? हाँ भाभी। बताया उसे? अरे नहीं भाभी, अभी का अपना भी एक स्टाइल है, एक डिफरेंट अप्रोच, जरा हटके। बुरा मत मानना भाभी, लेकिन पहले पहले जो है लड़कियों को ज्यादा भाव नहीं देना चाहिए, थोड़े चक्कर लगवाने चाहिए, थोड़ा तपाना चाहिए, थोड़ा सताना चाहिए, बस इतना कि वो खुद छटपटा कर ये कह दे कि आनंद आई लव यू। इससे होगा ये कि जिंदगी भर हम 20 रहेंगे और वो 19। क्या पूनम, तुम्हारा एक स्टाइल है, एक डिफरेंट अप्रोच है, जरा हटके। लड़की को पहले कभी भाव नहीं देना चाहिए, उससे चक्कर लगवाना चाहिए, तड़पाना चाहिए, सताना चाहिए, इतना कि वो खुद छटपटा कर कह दे आनंद आई लव यू। इससे ये होगा कि लड़का हमेशा 20 रहेगा और लड़की 19, है ना? वो तो मैं ऐसे ही बोला। सीना ठोककर झंडे गाड़ रहे थे। अबे भाई झंडा उखाड़ कर घुटने पे आ जा। अरे माफी मांग ले वरना पूनम तो गई। अरे पूनम देखो देखो यार, आई एम सॉरी। जरा जोर से बोला, हमें सुनाई नहीं दे रहा है। आई लव यू। आई लव यू टू। कब तक खामोशी का आसरा रहेगा? कब तक? कब तक दिल के जज्बात जुबां पर आकर रुक जाएंगे? कब तक? कब तक रहेगी ये तड़प, ये छटपटाहट? कब तक? बर्दाश्त का बांध अब टूटा जा रहा है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। लिख लिया? आज वो 3 शब्द कह देने हैं
जो बरसों से मेरे दिल में गूंज रहे हैं। आई लव यू अजय। आई लव यू बड़े अक्षरों में। इस खत में मैं अपनी किस्मत कैद करके तुम्हारे हवाले कर रही हूं। अब इसे तुम मेरी बदकिस्मती बना दो या खुशकिस्मती, ये तुम्हारे हाथ में है। वाह अशोक भैया वाह। थैंक यू। मुझे ऐसा लेटर कोई लिख दे मैं तो सातों जन्म उसके हवाले कर दूं। दरअसल ये हुनर मेरे अंदर बचपन से ही है और लव लेटर के साथ शादी की गारंटी। मानसी को मैंने ऐसे ही बोतल में उतारा था। पर तुम तो अजय को जानते हो ना, वो इस टाइप का आदमी नहीं है। पता नहीं उसे ये लेटर कैसा लगेगा। अरे मुझे तो डर ये है कि ये चिट्ठी पढ़कर वो सीधा सेहरा बांधकर हाथ में सिंदूर की डिबिया लेकर सीधा तुम्हें वरमाला पहनाने ना आ जाए। क्या ऐसा भी हो सकता है? अरे इस खत को उस तक पहुंचाओ तो सही, फिर देखो उसका जलवा। दगड़ू ये लिफाफा इंस्पेक्टर अजय की टेबल पर रखा। जी यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, यूं ही। तुम आए हो कि नहीं देखने आई थी। अगर मैं अंदर आता तो उसी दरवाजे से आता और तुम्हें बाहर ही दिखाई देता। हाँ ये तो सच बात है। हाँ शर्मा, मैंने जो रिपोर्ट मांगी थी कमिश्नर साहब को देने के लिए तैयार है। सर वो मैंने आपके टेबल पर रखवा दी थी, देखिए सामने ही रखी होगी। हाँ मिल गए, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अजय। सर आपने जो रिपोर्ट मांगी थी तैयार है। पिछले 6 महीने से ड्रग्स की वजह से शहर में जो ट्रेजेडीज हुई उसका ब्यौरा इसमें है। तारीख, जगह, जिस ड्रग का इस्तेमाल हुआ और विक्टिम के बारे में जानकारी सभी इसमें है। वेट, ये खत लिखना मेरी मजबूरी है। कब तक, आखिर कब तक खामोशी का आसरा होगा? कब तक तुम मेरी निगाहों में जाहिर प्यार को अनदेखा करोगे? कब तक दिल से उठे जज्बात जबान पर आकर रुक जाएंगे? कब तक रहेगी ये तड़प, ये छटपटाहट? बर्दाश्त का बांध अब टूट चुका है। आज तुमसे सब कुछ कह डालना है। वो 3 शब्द जो मेरे दिल में न जाने कब से गूंज रहे हैं, आई लव यू अजय। इस खत में मैं अपनी किस्मत कैद करके तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। अब तुम इसे मेरी बदकिस्मती बना दो या खुशकिस्मती, तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा फैसला सुनने को बेताब मैं मोदी गार्डन में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। रेखा, काफी डिटेल रिपोर्ट है इंस्पेक्टर अजय। यस सर। मेरे ख्याल से तुम बाकी के केस बाद में सॉल्व करना, पहले ये वाला केस सॉल्व करो। अच्छी लड़की है रेखा, शादी क्यों नहीं कर लेते जब वो तुमसे इतना प्यार करती है। यस सर। सर मैं जाऊं? तक तो मैंने सारे हंसी मजाक बर्दाश्त कर लिए तुम्हारे, लेकिन इस बार तुमने हद पार कर दी। क्या क्या मतलब था उस लेटर का? ऐसी बेहुदा हरकत करने की हिम्मत तुमने कैसे की? जानते हो तुम्हारे उस काले चिट्ठे को मैंने रिपोर्ट समझकर कमिश्नर साहब को दे दिया। कितना शर्मिंदा होना पड़ा, कैसे खिल्ली उड़ी। बाज आओ अपनी इन हरकतों से और मुझ पर दोबारा ऐसा बाजमाने की कोशिश मत करो। कुछ कह नहीं रहा तो सर पे चढ़ जा रही है। ना नाराज तो कोई अपनों से ही होता है।